जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, स्वागत है अपन के मोर चैनल लाज रंग सीजी ब्लॉग में। आ सकत हो अपन एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, और अतका का नवाज आप बैकग्राउंड में संगवारी हो। अभी ना 8:08 मैं बना तो रही खाना, मुँह कान धो रहा चो, मुँह कान ना धो की आ तो चलो संगवारी हो तो दादी बैठे करा है ना, अकेला खबर की टीवी चलत नहीं, टीवी बंद है, संगवारी हो सिग्नल खराब हो गए है ना, वो अस्कट आसी लागत कहाँ जाए, दिन भर दुकान में रहे हो कहीं ना है नहीं, दुकान बाहर आते हैं माल है कत्ता कन करो माटी भरे कत्ता कन मजदूता करे। संगवारी हो दादी है ना, हमार मतलब भी ज्यादा काम का दादी कर लो नहीं करते दादा करता तो कहो, हमन तो खाना बस मैं खाना पीना बस बना था और झाड़ू पोछा और बर्तन, बाकी काम तो दुकान वाला दुकान संभाल वाला पापा नहीं रहता था ना बाबू, और एक जन ला देखे दे बस एक खाए काम है, दिन भर कुछ ना कुछ मुंह चलाते रहना चाहिए, देख ना देन महुल दे ना देख गिरे वाला देवत रहन दे भैया नहीं खाओ ते कर ले धर ले बहुत बड़े दे 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 सबका बट मोर मुंह नहीं हम आओ ओकरे से भी चीट पोट नहीं करा था, चुपचाप बैठे एकदम हाँ ना। अभी 8:30 बज गए संगवारी हो, अभी ना का बोलते मैं बना तो खिचड़ी काकर बन खिचड़ी खिचड़ी दादी बर, कौन सा दादी, ए दे बड़े दादी सूर्यांश है ना, कही हो दाई का से दादी ला ना बाबू दाई हा कथे ऐसा तो कुछ बोल ना रहे कैसे चुप हो गए। संगवारी अभी ना खिचड़ी बना तू, मैं चावल बना तू, सब बनाता है, आज रोटी नहीं बना तू, एक मम्मी भी खिचड़ी खाई ना बाबू तो मम्मी खिचड़ी खाऊं बोला ना आज, और विहान बाबू का खाई पूछ चाबे तो विहान बाबू दूध बस पीते ना मम्मी के रात कर और कहीं हम सुबह कर मतलब अलग अलग कहीं हम सुबह और कहीं हम रात कर नहीं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ तो सुबह कर इतने अलग अच्छे सिस्टम तुम्हारी आप मन एक जादू देखा था। देखो ये हरे ना ये तोस के झिल्ली है, लेकिन ये तोस के झिल्ली में कुछ और निकाला था, उसके झिल्ली में सिर्फ तोसे निकला था, यहाँ हमारे में ना तोस में बिस्किट निकलते देखो दादी आज का लाई सब है संगवारी हो। देखो सूर्यांश ना अपन भाई बॉटल ला कैसे ला रहे थे धर धर के, जब खुद कर रही ना तो एक दिन ना इसने मुंह में नहीं लगा है, और अपन भाई के जबरदस्ती ला लेते थे, हम ला के भाग के कुछ नहीं होते, और एक थारी लेके कखन खाते थे संगवारी हो। हाँ कब से बुला तू खाना खाए पर कोई याद नहीं है, और नहीं बने रहे थे दिन मन परेशान कर रहे थे, और बन गए थे दिन कोई आवत नहीं, दादी बसे रेडी तहन कोई नहीं, दादी घलो खा संगवारी आ गोरा थे सब कोई यही तक खाऊं की को आई का नहीं करो ने 9 बजे तक कत्ते बना कर दे बोलो दे दे ला पापा काय करा थे, ओ तो वहां कहां बैठक में गए हो कथे दादा, ए लड़का बन गए सूर्यांश से देखा थे 3 साल के हो गए थे और रोवत रही सासू डबरे भाग गए दादा ओकरे पर तो आव मिला थे बेटा, चलो सवारे मैं निकाल था खाना, ए करना मैं प्याज काटत रहे कुछ और बनाना है मोर बरकी के ते बनावेगा जी कुछ स्पेशल मोल लिए, तो चलो मैं फटाफट बना लेता हूं वीडियो, आप मन बने रहो बनाए के बाद में मेरा खाना पीना दे लेते हो फिर मिलता हूं है ना, तो चलो बिल था देखो 9:15 हो गए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, आप जम्मो संगी संगवारी मल्ला सावन महीना के पहली सोमवार के गाड़ा गाड़ा बधाई हो, बोलो हर हर महादेव। संगवारी हो तो जैसे कि आप मतलब पता है कि सावन महीना के पावन पर्व शुरू हो चुके हवे है ना, आज से आज फर्स्ट सोमवार हवे जे दिन आप मन ये ब्लॉग ला देखा तो वीडियो ला, तो संगवारी हो सावन महीना के स्पेशल
अवसर पे हमर मन के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट आ है बे, वो भी आदि योगी से संगवारी हो, जहाँ मन पिछले साल घूमे भर गए रहे ना, आप मन दर्शन भी करे रहो, आदि योगी गए रहे ना मन, मतलब कोयम बटू है ना, तो वहाँ से ना हमर मन के लिए कुछ स्पेशल पार्सल आ है बे, तो देख सकते हो। तो एक अंदर का है ओला में, चलो आप मन के सामने ही ओपन करके दिखा दो। सोचो सावन महीना शुरू हो से और हमर मन के लिए स्पेशली आदि योगी से ये आ है संगवारी हो पार्सल है मतलब, और एक मैसेज भी ऐसे मोबाइल में सच पहली देखे हो, और बाद ये पार्सल ऐसे तो मोर बहुत अच्छा लगी कि देखो सावन लगते ही मतलब महादेव के आशीर्वाद के रूप में ये आ है वे। तो ओला में आप मन के सामने ही अभी खोला था समझो, पहली खोलू का रहो पर खोले नहीं रहे वो है ना, तो हम अनगे रहे यहाँ जैसे कि आप मन लपता है यहाँ आदि योगी के दर्शन करे पर हमारे पिछले साल गिर सावन महीना में हमन वही रहे है ना जी, मतलब आज के ही दिन हम वहाँ रहे हैं पिछले साल, और सच में वहाँ के जो माहौल है संगवारी हो, वहाँ के जो सुकून है मतलब वहाँ के वहाँ जाके ही वाला महसूस और फील करे जा सकते बहुत ही ज्यादा, मतलब वहाँ अलग ही टाइप के दुनिया है संगवारी हो। आप मतलब मौका मिली ना कभी आदि योगी जाएंगे तो जरूर से वहाँ जरूर से जाऊँ है ना, और दर्शन करूँ आदि योगी के। तो चलो मैं हाँ पार्सल में कहा है स्पेशल जिला दिखाता हूँ वैसे संगवारी हो, तो आगे के जानकारी वो पतिदेव दी है ना, कावर किला अच्छा से पता है संगवारी डिटेल्स में ओकर कितना ज्यादा महत्व है ओला यही समझा सकते अच्छा से, तो अभी आगे हमें बताए बस देखते हैं। चलो तो संगवारी हो, सबसे पहले जगह के बारे में 2 मिनट बता देना चाहता हूँ। ये जो जगह है ना संगवारी हो, मोर लाइफ के मतलब बहुत मोर जो हार्ट से बहुत ज्यादा जुड़े हुए है, बहुत कनेक्ट है ना, खबर की यहाँ पहली जाए और मैं सच में तरसत रहे एक समय रही है कि काश एक बार जा पाते हैं, एक बार जा पाते हैं ऐसे करके, लेकिन आदि योगी जी के ध्यानलिंग जी के इतना मतलब कृपा और व्यक्तिगत तौर पे मैं एक गुरु जी फॉलोवर था, वो सतगुरु जी हर है ना, आज से नहीं जब लगभग 2013-12 के बात है, जब वो शुरू शुरू में ही आई थी से यूट्यूब में, अभी तो बहुत मिलियन में सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत कोई जान चुके हो ना, वो समय से फॉलो कर रखा हूँ। तो वही समय सपना रीज है फाइनली पूरा हो चुके हैं, तो ये रहा है आदि योगी, बहुत जबरदस्त स्टैचू हो रहा है आप मन देखे वो है ना। मोर रिकमेंडेशन है संगवारे वो कभी भी ना अपन लाइफ के आपाधापी और जो जीवन में व्यस्तता है ना उगर से छोड़ के थोड़ा सा समय निकालो, और एक दिन के लिए कम से कम दिन भर के लिए ना यहाँ जरूर जाऊँ। सच में बता रहा हूँ पूरा जितना भी तन मन में जो स्ट्रेस रहते ना, जो तनाव रहे थे सब दूर हो जाए, ये खुद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर ले रही है ना, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रही है। तो चलो मैं बताया था एक अंदर काका है, तो पहली ये विभूति है ना, जो ध्यान लिंग जो है ना वहाँ पे ध्यान लिंग के बारे में भी थोड़ा बताया था, जो नया साथी मन है बहुत जन मन तो जाना थोड़ी, लेकिन ध्यान लिंग एक ऐसे मतलब एक प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है संगवारी हो, जिसमें अभी तक सदगुरु जी के बताए अनुसार 7 चक्र, जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं ना है ना, जैसे कि जैसे मूलाधार चक्र है ना, मूलाधार से लेके स्वाधिष्ठान तक सहस्त्रहार तक जी सॉरी 7 चक्र होते, 3 से 4 साल लगातार चल रही इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है इतना पावरफुल है, वो हर उम्र के इंसान वो वहां पे जा सकते हैं ठीक है। तो ये जो विभूति है ना, वो जो धूप लगते भगवान के जो आरती होते अपन ध्यान लिंग जी के, ये जो दिखत ना ध्यान लिंग है ना, यहाँ पे जो ध्यान सबसे अच्छा बात ये लगते यहाँ पे कि ये जो मंदिर है ना यहाँ के सीधा गर्भगृह में जाके प्रवेश करने का मौका मिलता है, बहुत सारे ऐसे मंदिर है यहाँ पे गर्भगृह में प्रवेश जावे भी ना तो इसे छू के तुरंत निकले पड़ते, लेकिन यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट बिल्कुल आराम से बैठ सकता ध्यान लगा सकता है ना, हाँ बहुत जबरदस्त है ठीक है। तो ये जो है ना विभूति है यहाँ एकर कार्य है ना, हमारे लाइफ में थोड़े से मेडिटेशन कर ले तो एक जो विभूति है यहाँ पे कंठ में यहाँ पे है ना, और यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके ना लगा के अगर ध्यान करू ना संवार हो तो मन एकदम शांत हो जाता है, मतलब ऐसे फील होते कि स्वयं उसकर आगाध मौजूदगी में बैठे हंसते हैं ठीक है। तो एक ये महत्व है ठीक है, उसके बाद ये है रक्षा सूत्र है ना,
ये रक्षा सूत्र लना संगवारी हो, जैसे कि लड़की मन हा अपन डेढ़ी हाथ में और लड़का मन भी डेढ़ी हाथ है, माई हाथ कोई भी में बांध सकते, कोई नहीं है। ये रक्षा सूत्र है रहा, ये भी एक अभिमंत्रित ऑर्डिनरी नहीं, ये दुकान से ही सब डाल रहे ना, ये पूरा जो भी है होता है ना भगवान की आरती वहां पे मतलब सब अभिमंत्रित करे जाते हैं संगवारी हो, वगर बाद एला दे जाते हैं। और ये जो रुद्राक्ष है ये रानी के लिए आए, वगर से तेला मैं नहीं छू सका हूँ, काबर की एमाना बहुत जबरदस्त। सदगुरु जी बताते हैं कि याददाश्त की भावना रहते एक प्रकार से ऐसे हो जाते हैं, एक समय बाद जब पहन पे ना ते आप मन के शरीर के हिस्सा हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दुर्घटना या कुछ भी नकारात्मक एनर्जी जब होते ना वोला पूरा अवशोषित करके अपन तरह पे अट्रैक्ट कर लेते हैं और आप मन ला बहुत तरीके से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये ला खुद रानी यहाँ अपन हाथ से खोली रुद्राक्ष है और ये होकर जो है अभिमंत्रित किए हुए रस्सी है। ठीक है, ये रक्षा सूत्र अलग है, ये रस्सी है। ठीक है, खोल के तो ये है संगवारी हो रुद्राक्ष। एक और है माँ इला हो सकते यूज कर सकते हैं, दो तो मंगा रहे हैं जो आदि होगी। हाँ, पंचमुखी रुद्राक्ष है संगवारी वाले, कोई भी पहन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रुद्राक्ष भी थे जिला एक पर्टिकुलर रीजन के वजह से पहने जाते हैं, लेकिन ये पंचमुखी रुद्राक्ष लेना कोई भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, और इमे ये है देखो ये मन में साफ साफ लिखे हुए है, मतलब एक कंडीशनिंग करे लगते है। अब ये जो रुद्राक्ष है संगवारी हो आप मैंने बताया था, ये रुद्राक्ष का महत्व बताया था, ये जो रुद्राक्ष है ना धरिन धरी तो महाशिवरात्रि जो अभी अभी जो गीत था 2024 में वो महाशिवरात्रि में मतलब बहुत हो सकते 10 लाख या 20 लाख मोला एकदम एग्जैक्ट नहीं पता नंबर, उतना सारा रुद्राक्ष लाभ यह करी से मतलब सिद्ध करी से कौन है सदगुरु जी है, वो रात्रि को महाशिवरात्रि में वो वाला रुद्राक्ष रहे हैं जो अभी पहुंची से कबर की संवारी वो प्रोसेस करे में पैकिंग करे में बहुत ज्यादा टाइम लगते है ना, तो वहां पे जब हम मन गेरे ना तो इला जो है प्रसाद के रूप में विजिटर मतलब भेजे जाते हैं। हाँ। है ना, तो ये है हाँ एकर, एक और महत्व बताया था मैं आप मान ला। ठीक है, ये जो रुद्राक्ष है ना इला एकाएक पहनना नहीं रीते। ठीक है, एका लिए ना संवारी हो ये ऐसे मत सोचो भाई एक आग क्रीम के डिब्बा रखने वैसे करके, ये वहां एक्चुअली में घी है वह है ना, देसी घी रहे हैं, देसी घी मेरे संगवारे हो। ये जो रुद्राक्ष है 24 से 48 घंटे के लिए डुबा के रखे जाते हैं। ठीक है, डुबा के रख देना तो एक जो लाइफ है ना वो डबल हो जाते सीधा सीधा, जिसे 6 महीने साल भर चले ना वो सीधा 2 साल 3 साल ऐसे चल सकते हो। हर 6 महीने में ना कम से कम एक बार एला कंडीशनिंग करना है देसी घी के साथ। ठीक है, 24 घंटे के लिए उसके बाद अपन पहन सकता हूँ। बस इला जो है एकदम साबुन हार्मफुल साबुन सोडा से बस बचा के रखना, एकदम ज्यादा नहीं यूज करना है। ठीक है, 24 घंटा पहन सकता हूँ, ऐसे नहीं कि सुबह पहने रात को कुछ भी जो भी कंडीशन में रहो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। इला 24 घंटा जब तक आप मतलब 24 घंटा मतलब आप मन समझ गए हो, हर हाल में आप इला पहन के रख सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ईसा फाउंडेशन ला है ना कि ये, लेकिन हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है ना। तो आप मन लगी से लगी संगवारी हो अच्छा लगी सोई तो लाइक कर दू और कमेंट में लिख दू हर हर महादेव। ठीक है, सावन के स्पेशल पर्व में ये साक्षात महादेव के आशीर्वाद स्वरूप ये रुद्राक्ष और विभूति और रक्षा सूत्र हमारे पास आए है ना। हाँ। तो वीडियो अच्छा लगी सो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो संगवारी हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।